आज ना दोस्तों सबसे पहले मैंने जो काम किया ना वो शेरू के पत्ते लाया हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि कल ना शेरू के पत्ते ख़त्म हो गए थे और शेरू ऐसी डाइट नहीं खा रहा था अपने, क्योंकि उसे पत्ते पसंद है बहुत ज़्यादा। तो हाँ देखें शेरू अभी उधर है, आ जाओ शेरू। शेरू ये तुम्हारे पत्ते, अभी देखेगा इधर पत्ते देख लें फिर कैसे पीछे आता है। ये देखें अब देखें कैसे पीछे आ रहा है पत्तों के, इसे पत्ते बहुत पसंद है। लेकिन मैं इसे अभी पत्ते नहीं दूंगा, सबसे पहले इसे पानी पिला दूँ फिर इसे पत्ते दूंगा। अरे भाई शेरू अभी नहीं खाओ पत्ते, पहले पानी पी लो। पानी पानी ये लो शेरू, पानी पी लो, ये रहा तुम्हारा पानी, शाबाश पी लो। आज ना दोस्तों गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए मैं शेरू को सबसे पहले पानी रख दिया, फिर जैसे ही ये पानी पी लेगा उसके बाद इसे पत्ते रख देंगे। और हमारे चूजे देखें, चूजों का भी टाइम हो रहा है। ये रहा हमारा तोता, तोता कैसा लगा भाई, अच्छा लगा ना तोता? हाँ भैया बहुत अच्छा है ना। ये देखें हाँ इसका ये खड़ा हो जाता है, लेकिन ये काटता भी बहुत है, ये एकदम से काटने लग जाता है। अभी तो खुश हो रहा है, ये काटेगा नहीं। हाँ भाई चूजे तुम्हारा क्या हाल है? इन्हें भी अभी खोलते हैं, पहले शेरू को पानी पीने दे फिर इन्हें खोलते हैं हम लोग। हाँ शेरू पानी पी लिया? शेरू मुझे लगता है इसने पानी पी लिया है क्योंकि ये आधा हुआ पड़ा है। शेरू और पीना है? नहीं और नहीं पी रहा, चलो कोई बात नहीं। इसमें से थोड़े से पत्ते लेके ना शेरू को डालते हैं ना। ये देखें शेरू उधर भी इधर ही खड़ा है, वेट कर रहे हैं। तो ये देखें इतने पत्ते काफ़ी हैं, आ जाओ शेरू। ये रे शेरू ये लो ये लो ये लो पत्ते खा लो, शाबाश। इसको कहीं अच्छी जगह डाल देते हैं जहाँ पर आराम से खाता रहे। ये लो शेरू इधर खा लो, सही है आराम से खाते रहना। जाओ भाई कॉकटेल शेरू के साथ चले आओ और घास खा लो। शेरू इसे इसे भी अपने साथ घास खिला दो। तो ये देखा हमारा कॉकटेल भी इधर घास खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे दोस्तों। जो आज मैं सबसे पहले जो काम आके किया वो था शेरू को घास डालना। आज शाम को मैं शेरू के लिए घास ले आया था और अभी देखें कितने शौक से खा रहा है घास, तो अच्छी बात है। अभी मैं चूजों को भी बोल रहा था क्योंकि वो भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो हाँ आ जाओ भाई चूजो, आ जाओ शाबाश। ये देखें दोस्तों हमारे चूजे अभी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें मैं बाहर खोलूँगा ना ये शेरू का घास खाना शुरू हो जाएंगे इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, तब भी यार खोल लेते हैं, शेरू को और डाल देंगे। आ जाओ भाई आ जाओ शाबाश। ये देखें सारे चले गए, आज ये रह गया भाई। आज तुम क्यों रह गए? कभी कुछ लेविश रह जाती है कभी ये रह जाता है। ये देखें चले गए सारे, जाओ भाई उधर देखना सारे उधर जाएंगे। भैया इसमें छोड़ो कबूतर को। हाँ आज ये छोड़ेगी, देखते हैं कैसे छोड़ती है। ज़रा ऊंचा छोड़ना, इतना भी ऊंचा नहीं कि किसी और की छत पे भाग जाए। चलो भाई ये हमारा गया पहला कबूतर और ये गया हमारा दूसरा कबूतर। हमारे कबूतर चूजे और कॉकटेल कहाँ गया भाई? कॉकटेल कॉकटेल हमारा ये रहा अलग बैठा हुआ है। कॉकटेल कॉकटेल आ जाओ ना, इतना सारा पड़ा है वो देखो उसके बाद जा रहे हैं। अभी कबूतर भी शायद देता रही है, कबूतर खा लो तुम भी। तो हाँ अभी इनका बाजरा भी रखते हैं, बाजरा ज़्यादा शौक से खाते हैं। हाँ दोस्तों अभी लेने चलते हैं सरप्राइज को, बस जानवर हमारे सारे फारिग हो जाए, मतलब मुर्गा मुर्गी और ये सारा सेटअप हमारा पूरा खुला हुआ है। इसको आराम से खिला के फिर हम उसको लेने चलेंगे। और उसका सेटअप भी वही इसने हाथ से बनाया, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता चला है कि हाँ भाई वो चीज़ आएगी। तो हाँ ज़रूर साथ लेके आएंगे अगर दुकान खुली हुई इंशाल्लाह। तो बगैर किसी देरी के जानवर को फारिग करके चलते हैं। ये रहा भाई बाजरा, बाजरा डाल देते हैं हम एक हाथ से। दोस्तों वैसे बाजरा डालने भी काफ़ी मुश्किल है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बाजरा ये डल गया है पूरा, सही बाजरा डल गया। ये देखिए इतना काफ़ी है, ये बाजरा डल गया। लेकिन दोस्तों एक मसला हो गया है जो आपने देखा होगा ना, ये प्याली डली हुई थी, ये भी आखिरी प्याली हमारे से टूट गई है, बड़ा ख़तरनाक सीन हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ये देखें ढक्कन में मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें हम लोग जल्दी प्याली लाएंगे इनके लिए, अपने कबूतर और चूज़ों के लिए। फिलहाल मैं अपने चूज़ों वगैरह को ये डाल देता हूँ बाजरा वगैरह। आ जाओ कबूतरों, आ जाओ शाबाश, आ जाओ खा लो शाबाश। ये देखें ऐसी आए खा भी रहे हैं कबूतर, पता नहीं क्यों नहीं खा रहे कबूतर, आ जाओ भाई। मुझे लगता है दोस्तों हमारे कबूतर और चूज़ों ने खाना खा लिए, अब इनको हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि मुर्गा मुर्गी को भी खोलना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने मुर्गा मुर्गी को भी खोल दिया और कबूतर और चूज़ों को भी बंद कर दिए। अब जैसे ही मैं आऊँगा ना वापस अपना वो सरप्राइज़ लेके, तो मैं सफ़ेद वाली मुर्गी को भी खोल दूँगा। अभी खैर बगैर किसी देरी के अपने सरप्राइज़ लेने के लिए चलते हैं। अभी दोस्तों हम पेट शॉप तो आ चुके हैं, लेकिन पेट शॉप बंद पड़ी है। देखें सारा शेड लगा हुआ है और देखें जानवर भी हैं इसके अंदर, जैसे चूजे वगैरह और मुर्गियाँ वगैरह और बिल्ली के बच्चे भी हैं। लेकिन सो रहे हैं, लाइट की वजह से आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा। देखिए पॉपआउट हो गया, हम इतनी दूर चल के और दुकान भी बंद है, अब चलें किसी और दिन खरीदेंगे। खैर अभी घर चलते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे मुझे मछलियाँ पसंद आई हैं तो मैं मछलियाँ खरीद रहा हूँ। देखें Thank you.
चली गई पहली मछली। दूसरी वाली, दूसरी वाली कहाँ पे? यहाँ पे आ गई वाली। हाँ ये फाइनली दोस्तों अभी हम मछलियाँ लेके आ चुके हैं। देखें जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मछली हैं और ग्रे कलर की। देखें आप खुद देखें अपने आंखों से। अभी ये शॉपर में ना इनको जल्दी से हम डब्बे में डालते हैं, क्योंकि ना डब्बे में इधर शॉपर में ये बहुत तंग हो रही है, मतलब क्योंकि सांग घुट सकता है इनका। तो हाँ डब्बे में बहुत जल्दी डालना ज़रूरी है, उनका अच्छे से हम लोग सेटअप बनाएंगे। ये भी खुश हो जाएंगी और भी मछलियाँ लेंगे। और लेकिन जो हम सरप्राइज़ लेने गए थे वो मिला नहीं, क्योंकि हम टटा लेने गए थे लेकिन वो मिला नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वो भी बहुत जल्दी हम ले आएंगे। अभी हम उन लोगों से इसका सेटअप बनाएंगे अच्छा सा, लेकिन अभी नहीं अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी है। तो हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।